हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज आप लोग जो देख रहे हैं बिल्कुल गाइस वही होने वाला है, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं गाइस जंगल के अंदर। और आप लोग अगर मेरी हालत देखेंगे या हम सभी की हालत देखेंगे तो गाइस आज खेलने वाले हैं इस जंगल के अंदर क्रिकेट। एक इतने डिफरेंट तरीके से क्रिकेट को आज जो है टेस्ट करेंगे या फिर खेल करके मजे लेंगे, जो कि शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। हम गाइस एक प्रॉपर एक जंगल के अंदर हैं, चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पेड़ ही पेड़ हैं और कुछ भी नहीं है, चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ जंगल है। तो हम लोग जो है जंगल के अंदर खेलेंगे क्रिकेट और देखते हैं कि जो बॉल्स है वो कहाँ जाती है, कितने रन बनते हैं, क्या बॉल हमें मिल भी पाएगी या नहीं, कैसे उनको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि पता है ये जंगल में हमको ये वाली थोड़ी सी खाली जगह मिल गई, लगभग यहाँ एक पिच के बराबर जगह है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जगह मिलेगी, लेकिन गाइस ये इतनी बढ़िया जगह यहाँ पर मिल चुकी कि यहाँ पर जो खेलने में मजा भी आने वाला। तो फटाफट शुरू करते हैं। अगर आपने ऐसी यूनिक चीज गाइस आज तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन ठोकना जरूर से बनता है। वीडियो का टारगेट रख रहे हैं गाइस सिर्फ और सिर्फ 11 लाख लाइक्स का। जल्दी से जो लाइक का बटन है वो ठोक दीजिए। अरे लाइक तो इसमें भी हो रहा है, ठीक है लाइक का बटन ठोक दीजिए। फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइज प्लान था कि क्रिकेट को कुछ बिल्कुल अलग तरीके से खेला जाए, और उसके लिए हमको लगा कि यार शायद किसी ने जंगल में तो क्रिकेट नहीं खेला होगा। आई एम श्योर कि आप लोग भी क्रिकेट के बहुत तगड़े फैन होंगे। गाइज वर्ल्ड कप भी चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो हमने सोचा गाइज थोड़ा सा क्रिकेट का मजा हम भी ले लेते हैं। भाई जब मैं छोटा था ना तो काफ़ी खेला करता था, लेकिन गाइज अभी यार काम के चक्कर में, उससे पहले पढ़ाई के चक्कर में, इन सब चीज़ों से जो थोड़ा सा दूर हो गए। लेकिन आज फिर से उसी जिंदगी को जीने का थोड़ा सा मौका भी मिला है, लेकिन एक जंगल के अंदर। तो गाइस अब जो है पता है यहाँ पर हम इतने ज़्यादा लोग भी नहीं हम लोग इतने ज़्यादा लोग भी नहीं है कि हम लोग दो यहाँ पर टीम बना सकें। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वो जो अपने गली क्रिकेट होता है ना कि एक बंदा खेलता है बाकी सब लोग फील्डिंग करता है, तो वही चीज़ करेंगे। और यहाँ पर पहले बाद में कौन खेलेगा उसके लिए इल्ली दुल्ली तिल्ली जो हम लोग करने वाले हैं, यानी कि इल्ली दुल्ली तिल्ली जानते होगे ना, वो ये वाला ये ऐसे ऐसे। ओए चलो चलो ये जल्दी कर लो आ जाओ रखो, फर्स्ट कौन आएगा, अरे करो ना चलो है? कोई नहीं आया, चलो फिर से एक बार और। कोई नहीं, अरे यार पांच लोगों में ये गड़बड़ करता है। फर्स्ट गाइस फर्स्ट, चलो। और पता है यहाँ पर गाइस ये शोर भी नहीं है कि लास्ट वाले का नंबर भी आएगा या नहीं आएगा, कोई नहीं आया। चल सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो एक बार जो है आपको थोड़ा सा पहले जंगल दिखा देते हैं, उसके बाद में खेलना शुरू करेंगे गाइस। एक बार इधर आओ देखो, मतलब कि ये जगह मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी खाली सी जगह हमको यहाँ पर ये मिल जाएगी, और ये वास्तव में बहुत अच्छी जगह है ये वाली। यहाँ पे बढ़िया घास सी भी, शिट कांटे हैं भाई साहब, एकदम बढ़िया घास सी भी जो यहाँ उगी हुई है। लेकिन जैसे हम इसके अंदर जाएंगे देखो गाइस पूरा का पूरा जो है ये जंगल है, नीचे पत्थर पड़े हुए हैं, शायद पहाड़ में से पानी जो है वो बह के आता होगा। मैं जस्ट आपको, अरे कौन है, मुझे लगा क्या है भाई, जानवर तो नहीं है कुछ। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि किस तरीके का माहौल है, पूरा का पूरा जंगल है। और यहाँ पर पता है एक बात और भी है कि इस जंगल के अंदर एक्चुअली में, जिस जंगल में हम लोग हैं इसके अंदर एक्चुअली में टाइगर्स भी रहते हैं, इसके अंदर जैगवार्स भी रहते हैं, लेपर्ड्स भी रहते हैं, मतलब तेंदुए बघेरे बाघ और क्या होता है हाइना, ये सब भी इस जंगल के अंदर रहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर वो डर वाला माहौल भी है कि कहीं कोई जानवर जो है शिकारी वो ना आ जाए। वैसे तो हम जो है 6-7 लोग हैं तो इतना ज़्यादा जो है डर भी नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि हमें पता है कि हमसे ज़्यादा नहीं तो कोई 5-7-10 किलोमीटर पे कोई ना कोई टाइगर या कोई ना कोई लेपर्ड कुछ ना कुछ तो ज़रूर से है। और ये जो है ना गाइस बिल्कुल घना जंगल है, यहाँ आसपास में भी कोई नहीं है। तो चलो अब अपने मैच के ऊपर आते हैं। दोस्तों हमारी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जिनमें से ज़्यादातर चीज़ें मैं पसंद करता हूँ ऑनलाइन मंगवाना, और अभी तो दिवाली की सेल भी चल रही है तो ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर बढ़िया डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे तरीके के बारे में जिसके साथ आप वो डिस्काउंट तो पा ही सकते हो, साथ ही साथ में और ज़्यादा कैशबैक भी जीत सकते हो। तो भाई एक ऐप है जिसका नाम है कैश करो, विच इज़ ऑल्सो फंडेड बाई मिस्टर रतन टाटा। और भाई दिवाली की शॉपिंग भी वैसे भी अभी चल ही रही है, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कैश करो ऐप का, उसको फटाफट
पर से डाउनलोड कर लीजिए, फिर प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अगर आप मेरा कोड XYZ25 यूज करेंगे तो आपको 25 रुपए का वेलकम बोनस तो जरूर से मिल जाएगा। दोस्तों वहां पर आपको सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जैसे कि Amazon, Ajio, Myntra, यहां पर आप जिस भी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आप उसी वेबसाइट पर चले जाएंगे, आपको जाना कैश करो के थ्रू है, और वहां पर आप जैसे नॉर्मल सिंपली शॉपिंग करते हैं उसी तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मान लीजिए कि मुझे Amazon के ऊपर जो शॉपिंग करनी है, तो यहां पर मुझे जो भी चीज मंगवानी है वो मैं सिलेक्ट कर दूंगा और अपना जो ऑर्डर है उसको प्लेस कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद में जो भी कैशबैक होगा वो माय अर्निंग सेक्शन में आ जाएगा, जो कि हम अपने बैंक अकाउंट में या फिर Amazon गिफ्ट कार्ड के रूप में रिडीम कर सकते हैं। तो गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से कैश करो को डाउनलोड कर लीजिए और गाइज अपनी जो सेविंग्स है वो स्टार्ट कीजिए, कैशबैक लीजिए यार। गाइज यहाँ पर पता है सबसे मजेदार चीज तो यही रहेगी कि जो बॉल है वो कहाँ जाएगी, उसको कैसे ढूंढ के लाएंगे। कोई बाउंड्री नहीं रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि गाइज यहाँ पर ऐसा कुछ हम जो है एक जगह पर कुछ बाउंड्री बना ही नहीं सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर जो है हम लोग भाग करके रन ले सकते हैं, यानी कि जो सिर्फ रनिंग बिटवीन द विकेट्स है सिर्फ वो रहेगी, और एक बॉल के ऊपर 4 रन मैक्सिमम वो लिए जा सकते हैं। वन टिप आउट भी रहेगा, ठीक है। वन टिप है, वाइड बॉल, वाइड बॉल है, एक रन हो गया गाइस, बिना बात ही एक रन हो गया। अरे यार मैं तो भाग भी सकता था, चलो थोड़ा आगे डाल। अरे जाओ जाओ, ए दे कभी नहीं मिलेगी उनको, कभी नहीं मिलेगी उनको, आराम से ले लूंगा गाइस। हां कतार यहीं पे, 3-4 रन हो गए गाइस, इससे ज्यादा तो मैं ले नहीं सकता। अरे यार बहुत लंबा शॉट था, इधर आई थी, बहुत ऊंचा था और बहुत लंबा था, हैं? बॉल मिल गई, अरे देखो कहां उलझी हुई थी। अरे यार काफी दूर है भाई साहब, 5 रन हो चुके हैं एक बॉल में, चलो एक वाइड का, चलो पुल करना पड़ गया मेरे को, पुल करना पड़ गया। जल्दी बॉल, जल्दी लोरन। बॉलिंग बॉलिंग बच गया, ओ चलो अब तो मैं आउट भी हो जाऊं तो भी भागूंगा, 4 रन गाइस। तीन हाँ, एक ओवर में 13 रन, भाग भाग के तक गया। कम ऑन बॉयज कम ऑन, ओए अरे भागो, अरे भागो, अरे वो बॉल गई, अरे वो गई, अरे भागो, जाओ जाओ सारे जाओ, भाग जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, कहां है फेंक दे गाइस, अब मेरी तो बैटिंग आ चुकी। बढ़िया
बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। अरे यार भाई जल्दी, बहुत दूर गई है, कुछ भी कर लो नहीं मिलेगी इतना जल्दी वो यार। अरे लेट मत करो, छोड़ो, खो गई बॉल, बॉल खो दी मैंने। चलो यार, मेरी तीनों बॉल ढूंढ ली थी तुम लोगों ने। रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक जा। गाइस गाइस गाइस, मेरी ईमानदारी का जो है परिचय देने की वजह से मुझे जो है इसे मैच का एम्पायर घोषित किया गया है। तो अब मैंने खुद ने खुद को जो है एम्पायर घोषित कर लिया है। मेरी बैटिंग आ चुकी है, तुम क्या कर लोगे गाइस? मैं खुद को इस मैच का एम्पायर घोषित करता हूँ, ठीक है? रोबस्टी है तू। अब मैं एम्पायरिंग करूंगा। एक चक्रा मलिंगा, जीतो है मलिंगा तो। अरे यार शिट, कहाँ जीत गया? ढूंढ लो। इसको आउट करो, मेरे को नहीं खेलना है। इसको आउट करो, क्या हो गया? अरे बारह ही हुए अभी, एक रन बचा है, जल्दी करो। ये क्या मतलब है? अरे नहीं नहीं, अरे पकड़ा, पकड़ा, अरे वोरी वोरी वोरी, अरे वोरी, जल्दी, लगा, आड़ा, अबे आउट है, आउट है। गाइस इस मैच का पहला विकेट मैंने लिया है। बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कोई मौका नहीं बैट्समैन के पास, मैं बैट्समैन को चकमा देते हुए बॉल जाती विकेट के पास। चलो गाइज, यहाँ पर जो बल्लेबाज हैं वो थोड़ा सा रोने लग गए हैं। वो कह रहे हैं कि जो बॉल की रफ्तार है वो काफी तेज आ रही है और जो बॉल है वो उनको दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर जो बैट्समैन है उन्होंने फिर से यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है कि कृपया, वो और रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तीन बॉल काफी फास्ट आई है, तो यहाँ पर तीन बॉल रिजेक्ट करी जाए। अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी, पत्थर से टकरा करके जो शॉट है वो जाने से बच गया। यहाँ पे ओवर की आखिरी बॉल यहाँ पर हो रही है, गुड लेंथ गेंद थी, यॉर्कर डालने की कोशिश करी थी, कामयाब नहीं हो पाया, अच्छा शॉट मारा, बॉल जा चुकी है काफी दूर, मुझे लगता है बाउंड्री क्रॉस कर चुकी है। कृपया जो बैट्समैन है उसके पैरों से जो पैड्स है उनका हरण कर लिया जाए। पैड हरण यहाँ पर हो रहा है गाइज, आप लोग देख सकते हैं वहां पे। अरे पैंट हरण नहीं करना, बस पैड हरण करना है। नहीं पैंट हरण नहीं, पैड हरण। दोस्तों मेरी फिर से बैटिंग आ चुकी है यहाँ पर, और अब जो है पिच चेंज हो रही है यहाँ पर। ये जो है खुली जगह थी, अब जो है थोड़ा सा अंधेरा भी होने लगा है, यानी कि रात भी होने वाली। तो हम अब घुस रहे हैं डीप जंगल के अंदर, जहां पर ऐसी कोई खाली जगह नहीं है। ले आओ ले आओ बॉल ले आओ, चलो यहाँ पे खेलेंगे गाइस, ये बढ़िया है। अब आएगा जंगल का मजा गाइस, वहां पर भी था लेकिन यहाँ पर अब बॉलिंग जो होगी ना, बॉलर भी नहीं दिखेगा। चलो चलो जल्दी फील्डिंग विल्डिंग लग लो। अरे बॉलर तैयार हो क्या? तुम्हारी धुनाई करूंगा मैं। कुछ दिख नहीं रहा गाइस, एक बार देखो इधर जो है सिर्फ पेड़ पौधे या कुछ भी नहीं दिख रहा है। कराओ बॉलिंग कराओ, चलो आने दे। छह रन, कैमरामैन के ऊपर से शॉट गए। अरे तगड़ा शॉट लगा था, तगड़ा है। कौन सी, मेरी बॉल आके मेरा शॉट लगा है? अबे यार कुछ नहीं दिख रहा, एक बार उधर दिखाना, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई साहब, कहाँ क्या है। आने दे आने दे, आ जा। अरे इतना दूर मत फेंक, रुक जा, हाँ आ जा, हटा 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 हटा, बढ़िया। अरे यार बढ़िया, पकड़ियो पकड़, ओल ले, चलो कराओ बॉलिंग कराओ, चलो चलो। ओह
तो भाई यहाँ पर जो है इवनिंग ब्रेक से नाइट ब्रेक के बीच का जो है समय चल रहा है, और हमने जंगल में जो है खेला था, मैंने जो है 15-20 बॉल्स खेली होंगी और जो बॉल्स हैं वो खो चुकी हैं, तो बाकी लोगों की बैटिंग आई, तो उसके लिए जो है ना अभी बॉल ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक भेलपुरी ब्रेक जो है लेना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि काफ़ी थक गए थे हम लोग यहाँ पर दोपहर से खेलते खेलते। तो गाइज यहाँ पर खाना पीना भी हो चुका है और बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। एक बार लाइट बंद करो ज़रा, देखो लाइट बंद करी जाएगी, बंद करो। तो गाइज आप लोग देख सकते हो, एक बार इनको भी बंद कर लो अपना अपना। देखो गाइज यहाँ पर जो है बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, बिल्कुल धूप पे एकदम जो है यहाँ पर अंधेरा हो चुका है, जला सकते हो लाइट। तो अब पता है गाइज अब बहुत सारे डर आ चुके हैं, उस टाइम तो हम मज़े से जो है खेल भी रहे थे, जंगल में भी खेला यहाँ पे भी खेला, लेकिन अब जो है कई डर हैं दिमाग में। एक तो जो शिकारी जानवर है उनका डर है, जैसे कि जो बाघ है, टाइगर है और लेपर्ड्स वगैरह का, साथ में यहाँ पर बहुत सारे सांप भी हो सकते हैं। तो गाइज जंगल है, जंगल में ऑब्वियसली बहुत सारे स्नैक्स होंगे, और अब हम जो हमारे पास कोई बॉल नहीं बची है, अब हम बॉल्स को ढूंढने जा रहे हैं और देखते हैं क्या हमें कोई बॉल मिल पाएगी क्या। चलो चलो चलो, रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया है, और सब लोग एक साथ रहना ठीक है भाई। जंगल में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना वो यही होती है कि यहाँ पर सांप और शिकारी जानवर, इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और बहुत ध्यान से देख के चलना, बहुत सारे कोबरा होंगे यहाँ पे। और जिसको जिसको बॉल मिल गई ना उसको एक ओवर खिलाएंगे रात को, बॉल ढूंढो एक ओवर खेलेगा। डीप जंगल है, यहाँ पर शिकारी जानवर और हम बॉल ढूंढ रहे हैं रात को है। सब लोग साथ ही रहो, दो तीन बॉल तो यहाँ इस साइड में आई थी, वहां से लगभग दो तीन छक्के लगे थे इधर पे है? है? दिखा दिखा दिखा, ओ भाई साहब यहाँ पर, अरे ये कैमरा ऐसे है क्या? गाइज यहाँ पर जो पहली बॉल है वो मिल चुकी है। तो गाइज यहाँ पर हम जो है जंगल में फिलहाल बॉल ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है। देखो ये मैंने फ़ोन बंद किया, बिल्कुल अंधेरा है, ये मैं फ्लैश मार रहा हूँ इससे, और वो लोग जो है आगे ढूंढ रहे हैं। अरे मेरे को छोड़ के मत जाओ यार, हैं भाई मैंने देखी थी पहले, तो देखी मैंने, बोली है पहले कहाँ है, कहाँ है, कहाँ घूम के आ रहा था। तो तुम लड़ो मत ऐसे, किसको मिली है दिखाना, बॉल कहाँ है, बॉल कहाँ है, बहुत तेज चमक रही है। हाँ ठीक है, लाइट मार के, अरे क्या हुआ, फट गई बॉल ही, फट गई हैं बॉल ही, फट गई। अरे ये किसी जानवर ने तो नहीं काट दिया ऐसे लगता है इतना, अरे भाई इतना, ये डेफिनेटली किसी जानवर ने काटा है, देखो इसके दांत के निशान है। ओ भाई इस बॉल को डेफिनेटली किसी ना किसी जानवर ने काटा है। एक बार इसको क्लोज में दिखाना, जूम पे दिखाओ एक बार, देखो भाई यहाँ पर जो है ये निशान है इसको दांत से कुतरने के, देखो यहाँ तक कुतरा है, मुझे लगता है किसी चूहे वगैरह ने इसको काटा है, जंगल में बॉल को काट डाला, ओ शिट। लेकिन इससे शायद अभी भी हम लोग खेल सकते हैं, क्योंकि भाई इस बैट से मारने पर मेरे से आज तक कभी ऐसी बॉल नहीं फटी, किसी से भी नहीं फटती इस तरीके से, ये फटी नहीं है, ये दांतों से जो इसको कुर्चा हुआ है ढंग से, देखो खुरच डाला है। तो भाई साहब एक डेढ़ घंटा यहाँ पर हम लोग जो है ढूंढ चुके हैं, और अब आपको दिखाते हैं कि हमें कितनी क्या बॉल्स मिली है। पहले इधर आ जाओ, जहाँ अपनी पिच थी उधर पे जा रहे हैं, ये एक बढ़िया जगह मुझे लगता है, यहाँ पे पानी वगैरह बहता है, देखो यहाँ पत्थर है गोल गोल से, तो पहाड़ से ऊपर से पानी आता होगा जंगल से, इसीलिए एक चैनल सा बना हुआ है, खाली जगह बनी हुई है नदी सी। अपनी पिच मिल गई। ओए कितनी बॉल्स है यहाँ, ला के रखो सारी बॉल्स यहाँ रखो एक बार, कितनी बॉल्स अपने को मिली है, रखो यहाँ पे। मुझे तीन मिली, मुझे एक। इतना ढूंढने के बाद में हमको जो है ये पांच बॉल्स ही मिल पाई हैं पूरे इस एरिया के अंदर। तो चलो कोई नहीं गाइस, एक एक बॉल यहाँ पर हम खेल सकते हैं और उसके बाद में जो है ख़त्म करता है, क्योंकि गाइस अब काफ़ी लेट हो चुका है और अब जो है बहुत सारे जानवरों की आवाज़ आ रही है। देखो मैं चुप रहता हूँ, कंटिन्यूसली जो है चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं। उस साइड तो दिखाओ कहाँ पे फेंके हो, वो तो दिखाऊंगा, बस ऐसे ही आएगी। हाँ ये ऐसे कैमरा घूम जाएगा, ठीक है भाई इधर जो अंधेरा है। चलो ठीक है, हमारे इस कैमरे में लाइट लगी इसलिए जैसे उधर घूमता है तो उधर लाइट दिखती है, पर है एक्चुअली में इधर उजाला है, बैट्समैन के पास उजाला है और बीच में अंधेरा है। ठीक है तो मैं बॉल फेंक रहा हूँ, थ्रो ही फेंक लेता हूँ, ठीक है जिससे तेरे को एक्शन दिखेगा पूरा। ठीक है
ओए पकड़ो पकड़ो कैच पकड़ लिया ये गाइस इसको कहते हैं रात को क्लीन बोल्ड करना, क्लीन बोल्ड। देखो देखो हाँ बॉल खो गई, कोई बात नहीं विकेट तो मिल गई गाइस। यहां पर एक विकेट मिल चुका है, बैट्समैन चेंज हो चुका है। चलो अरे ये शॉट कैसे मार रहे हैं रात को, मेरे को ही नहीं दिखी कहां गई है। शतक यस चलो एक बॉल, ये लास्ट बॉल है, इसको एक काम करते हैं गाइस, इसको खो देते हैं एक शॉट मार के, गई बॉल। तो गाइस कुछ इस तरीके से जो है लास्ट में तो मैंने अपनी जो है एक की जगह दो तीन बॉल्स खेल लिए हैं, और ये जो है एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था जंगल में जो है खेलने का। लेकिन एक बात है, जब खेलने पे आते हैं तो सारा डर पता नहीं कहाँ भग जाता है, लेकिन जब ढूंढने पे आते हैं तो सारा डर वापस से आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, हमने जो खूब इंजॉय भी किया, एक नया एक्सपीरियंस भी लिया। अब जो अपना जो बोरिया बिस्तर है वो समेटते, क्योंकि डर लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मज़ा खूब ले चुके हैं। अब बिना बात कोई गड़बड़ हमारे साथ हो जाए हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रहे हैं, तो हम जो अपने घर चलते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे सिर्फ एक लाइट दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, लाइक का बटन ठोक देना। आज का टारगेट है 11 लाख लाइक्स का गाइस, प्लीज़ इसको अधूरा मत छोड़ना। आपको क्या नया चाहिए नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, ठीक है। और कैश करो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से उसको भी डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिए और भाई कैशबैक लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।